गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री। कि जो हमारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मतलब जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ओके, जो वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं किसमें, सिल्क इंडस्ट्री में, ओके। तो उसमें हमारे जो वर्कर्स को क्या क्या वहाँ पे हार्म्स होते हैं, ओके, क्या क्या उनको डिजीज हो सकती हैं, क्या क्या उसकी बॉडी में उनकी बॉडी में इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो सब हम रीड करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट है हैंडलिंग कोकून्स इन बॉइलिंग वाटर। कि जो क्या करके रखते हैं कोकून्स को हैंडल करके रखते हैं किसके अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर। उनके हाथ पे क्या हो सकते हैं, हाथ वैसे वो भी हो सकते हैं, बर्न भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो क्या करें विदाउट वियरिंग ग्लव्स, कि ग्लव्स बिना डाले अगर वो क्या करें उसको वहाँ पे उसको हैंडल करें, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है उनकी स्किन टू पील ऑफ। कि उनकी स्किन क्या हो सकती है, पील ऑफ मतलब रिमूव होना। कि उनकी जो स्किन है वो क्या हो सकती है, पील ऑफ मतलब रिमूव, कि उनकी स्किन वहाँ से क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है, ओके। और फ्रॉम ब्लिस्टर्स, फ्रॉम ब्लिस्टर्स, अब ब्लिस्टर्स क्या होते हैं कि वहाँ पे क्या बन सकते हैं, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ब्लिस्टर्स क्या होती हैं, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल बबल ऑन स्किन। कि जैसे स्किन पे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं ना, तो ऐसे होते हैं वो, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जो बबल्स बन जाते हैं ना स्किन पे, उसको बोलते हैं हम ब्लिस्टर्स, ओके। तो अगर वो अपने हाथों को हमेशा किस में रखेंगे, बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, तो ब्लिस्टर्स ऑब्वियस है बनना वहाँ पे, और जिससे क्या हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। द वेपर्स फॉर्म बॉइलिंग कोकोन्स। कि जब वहाँ पे कोकोन्स बॉयल हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, तो वहाँ पे क्या होगा, एंड फ्यूम्स ऑफ डीजल एंड स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ डीजल, जब हम डाई करते हैं किसको, सिल्कोम को, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं हम, कुछ डीजल्स का, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से क्या निकलती रहती है, फ्यूम्स। फ्यूम्स मतलब जैसे स्मोक निकलता है ना किसी चीज़ से, तो उसको, तो ऐसे ही उसमें से फ्यूम्स निकलती रहती हैं। जैसे हम, जैसे क्या करते हो आप, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो, तो उसमें से क्या निकलते हैं आपको, निकलता हुआ दिखाई देता है कुछ वेपर्स की फॉर्म में, ओके। तो क्या होते हैं वहाँ पर, फ्यूम्स होते हैं। तो ऐसे इसमें से भी क्या निकलते हैं, कुछ फ्यूम्स निकलती हैं, जो क्या करते हैं, कैन कोज इरीटेशन इन आइज़। की क्या कर सकते हैं, इरीटेशन कोज कर सकते हैं आइज़ के अंदर, स्किन के अंदर इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बाद उसमें कुछ। नेक्स्ट अभी टाइप्स ऑफ सिल्क। कि हमारी सिल्क कितने टाइप्स की होती है, ओके। फर्स्ट हमारी मलबरी सिल्क, ओके। फर्स्ट हमारी मलबरी सिल्क, कि जो हमारे के कौन से प्लांट पे मिलती है, मलबरी प्लांट पे। नेक्स्ट हमारी टैसर सिल्क, टैसर। नेक्स्ट हमारी कोशा सिल्क, नेक्स्ट हमारी मूगा सिल्क, और नेक्स्ट हमारी एरी सिल्क। तो कितने टाइप्स की सिल्क होती है हमारी, फाइव टाइप्स की होती है, ओके। कितने टाइप्स की होती है, फाइव टाइप्स की सिल्क होती है हमारी, मलबरी सिल्क, तासर सिल्क, कोशा सिल्क, मूगा सिल्क और एरी सिल्क, ओके। तो वन बाय वन हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ्स यूज इन सेरीकल्चर। कि सेरीकल्चर में हम रियरिंग में हम क्या करते हैं, उनके डोमेस्टिकेशन में हम बहुत सारी सिल्क का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क का हम यूज़ करते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़, बिकॉज उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाती है, वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स मिल सकते हैं हमें, फैब्रिक वैराइटी ऑफ मिल सकता है, ओके, वैराइटी ऑफ फैब्रिक। तो फर्स्ट है इसके अंदर मलबरी सिल्क। तो मलबरी सिल्क क्या होता है, द मोस्टली कॉमनली यूज फॉर सेरीकल्चर इज मलबरी सिल्क मोथ। कि हम ऑलमोस्ट कौन सा सिल्क मोथ यूज़ करते हैं, बोम्बैक्स मोरी, मतलब मलबरी सिल्क को ही हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, बोम्बिक्स मोरी। ये हमारा सिल्क मोथ है ऑलमोस्ट जो हम यूज़ करते हैं, ओके। तो बोम्बिक्स मोरी, इट्स लार्वा फीड्स ओनली ऑन मलबरी लीव्स। इसका लार्वा सिर्फ किस पे फीड करता है, मलबरी लीव्स पे ही फीड करता है, एंड हैंस द सिल्क दे प्रोड्यूस इज नेम मलबरी सिल्क। इसलिए हमने इसका नेम भी क्या रख दिया, मलबरी सिल्क। दिस सिल्क इज सॉफ्ट, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग। कैसा कैसा मिलता है हमें सिल्क, इससे बिल्कुल सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, और कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग सिल्क होता है। नेक्स्ट हमारा तैसर सिल्क, ओके। तो ये क्या, कौन सा सिल्क होता है हमारा, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कोम।
एंथेरिया माइलिटिया, एंथेरिया माइलिटा, द सिल्क वर्म मेनली ग्रोज ऑन अर्जुन एंड आसंट्री। ओके, कौन सी ट्री पे मिलता है ये? अर्जुन एंड आसंट्री, अर्जुन और आसन के ट्रीज पे मिलता है हमें। और कौन सा बैक्टीरिया है ये हमारा, कौन सा सिल्क वर्म है, कौन सा मॉथ है ये हमारा? एंथेरिया माइलिटा। अब इस फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर का होता है। टेक्सचर कैसा होता है? रफ़ होता है, मतलब जब आप इसको टच करोगे तो कैसा लगता है? रफ़ लगता है। इट इज़ यूजली नॉट एज शाइनी एज मलबरी सिल्क, और ये इतना शाइनी भी नहीं होता जितना हमारा मलबरी सिल्क था। तो इट इज़ मेक यूज टू मेक फर्निशिंग्स। अब फर्निशिंग्स क्या होते हैं? फर्निशिंग्स क्या होते हैं आपके, जो हम कारपेट्स बनाते हैं ना, कारपेट्स, मैट्स, जो हम डेकोरेट या फिर कुछ हमारे डेकोरेटिव पर्पजेज के लिए कुछ हम यूज़ करते हैं, जो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बना होता है। ओके, तो इसके लिए हम उसको हम क्या बोलते हैं? फर्निशिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे कोसा सिल्क। कोसा सिल्क क्या, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म दैट फिल्ट ऑन साल ट्री, साजा और अर्जुन ट्री। ओके, जो अर्जुन के ट्री पे, साजा के और साल साल के वृक्ष होना है ना बोतल, तो ये हम हमारे उन पे ही हमारे फीड करते हैं। दिस सिल्क इज सॉफ्ट एंड शाइनी, कि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करनी है? मलबरी सिल्क के सिल्क से, कि सॉफ्ट एंड शाइनी है। मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर यूज इन क्लोथिंग स्पेशली ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज, कि इससे हमारी कौन सी सिल्क की साड़ी बनती है ऑलमोस्ट, और ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाने में ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मुगा सिल्क। ओके, मुगा सिल्क इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म एंथेरिया असामेंसिस, कौन सा है हमारा? देखो उसमें कौन सा था हमारा तासर सिल्क में? एंथेरिया माइलिटा, बट इसमें कौन सा? एंथेरिया असामेंसिस। ओके, दिस सिल्क वर्म्स फीड ऑन लीव्स ऑफ सोएलू एंड सोम प्लांट्स, कौन कौन से पे? सोएलू एंड सोम प्लांट्स पे फीड करता है। द सिल्क प्रोड्यूस बाई इज गोल्डन येलो इन कलर, तो इसकी वैरायटी क्या है कि इसमें क्या मिलते हैं? कुछ हमें कलर्स मिल जाते हैं वैरायटीज़ में। नेक्स्ट हमारा एरी सिल्क, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म फिलोसेमिया रिसिनी, कौन सा हमारा? फिलोसेमिया रिसिनी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैस्टर सिल्क वर्म, बिकॉज ये किस पे फीड करता है? कैस्टर प्लांट पे इस फीड करता है, कैस्टर ऑयल सुना ना, तो कैस्टर प्लांट्स पे फीड करता है। द सिल्क प्रोड्यूस इज वाइट और ब्लैक इन कलर, कि क्या होते हैं? ब्रिक रेड इन कलर, क्या तो वाइट कलर के होते हैं या फिर कैसे होते हैं? ब्रिक रेड के, जैसे ब्रिक का कलर होता है ना, ईंट का कलर होता है बिल्कुल रेड, ऐसा कलर होता है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना प्रोड्यूस करता है, वाइल इंडिया रैंक सेकेंड, और उसके बाद किसका नंबर आता है हमारे इंडिया का। तो अब नॉलेज चेक में देखो हमारे ट्रू फॉल्स, कि आपको क्या करना है? ट्रू या फॉल्स बताना, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। अगर जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपको क्या करना है? करेक्ट करना। ओके, तो द सिल्क वर्म शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिलिंग, कि क्या करता है जो सिल्क वर्म, क्या करता है? अपनी स्किन को शेड करता है, मतलब रिमूव करता है, और सेवरल टाइम्स करता है, बट प्रोसेस का नेम क्या दिया इसने? रिलिंग। यहाँ तक तो ठीक था कि सेवरल टाइम यानी 4 times वो अपने स्किन को रिमूव करता है, शेड करता है, बट प्रोसेस का नाम क्या था? माउल्डिंग, नॉट रिलिंग। तो ये क्या हमारी फॉल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउल्डिंग, हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द नेचुरल गम दैट होल्ड सिल्क फाइबर्स टुगेदर इज सेरेसिन, ट्रू, कि कौन सा फाइबर्स नेचुरल गम है जो इनको होल्ड करके रखता है? सेरेसिन। तो यह स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, मलबरी सिल्क इज कोर्स इन स्ट्रक्चर, कि जो हमारा मलबरी सिल्क है उसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है, बट ये तो फॉल्स हमारा, बिकॉज उसका तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, द एरी सिल्क वर्म्स फीड ऑन कैस्टर प्लांट लीव्स, अभी अभी स्टडी किया हमने कि जो हमारा एरी सिल्क है वो कौन किस पे स्टडी किस पे फीडिंग करता है? कैस्टर प्लांट पे। तो ट्रू। सेरिकल्चर वर्कर्स में गेट इन्फेक्टेड विद एंथ्रैक्स डिजीज, कि जो हमारे सेरिकल्चर के जो वर्कर हैं वो एंथ्रैक्स डिजीज से क्या हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट ये तो फॉल्स है, बिकॉज एंथ्रैक्स डिजीज तो कौन सी थी? शॉर्टर डिजीज थी, जो किस में हो रही थी? वूल इंडस्ट्री में। तो आप लिख सकते हो इट इज़ द डिजीज ऑफ
वूल नॉट्स सेरिकल्चर नहीं है, हमारे सेरिकल्चर नहीं है, बल्कि वो किस में थी, सोल्टर डिजीज। ओके,